तो कैसे हो भाई लोग। तो मैं यहाँ पर कोचिंग की उतरता हूँ। अगर आपको सोलर से स्पॉट यूज करता हूँ तो यहाँ पर मैं उतरता हूँ जैसे ही, तो थोड़ा सा लैग हो जाता है। मुझे पता चलता है कि मेरे आसपास ही घर के बंदे हैं, तो मैं यहाँ पर गन ढूंढता हूँ। फाइट नहीं लेता हूँ अभी तो, और अपने बंदों से कहता हूँ कि पीछे आ जाओ, क्योंकि मेरे पे गन नहीं है, वैसे नहीं है, कुछ भी नहीं है। वहाँ पर लूटता हूँ, वो उधर ही रहते हैं, और मैं बस पिस्टन से तो उनको मार नहीं सकता था। पर मास सेवन नाम के बंदे ने बहुत अच्छा खेला यहाँ पर, और हमारे एक प्लेयर अविनाश को, मेरा दोस्त है, उसको नॉक कर दिया। काफ़ी अच्छा खेला था ये बंदा, और उसने धाकरस को बचाने के लिए गया तो उसने उसको भी नॉक कर दिया। और उसके हाथ में AKM थी, तो मैं उसे जैसे फाइट नहीं ले सकता था। मैंने यहाँ पर लूट की, और इतने में मुकुल भी मर गया। तो मेरे पर लूट थी, और मैं यहाँ पर बॉट फायर करता हूँ बुलाने के लिए, क्योंकि अब सोलो से स्क्वाड क्लच तो करना ही होगा, वीडियो तो बनानी है भाई। तो बॉट फायर आप कर सकते हैं, तो मैं देखता हूँ कि बंदे आ जाते हैं। एक्चुअली मेरे घर में साउंड आती है मुझे, और फिर फोटो स्टेप आ जाते हैं। तो मैं यहाँ पर टीपी भी लेता हूँ, जो कि मेरी फेवरेट जगह है। यहाँ से टीपी पर लेने की, ना जाने मैंने कितनी स्क्वाड यहाँ पर वाइप आउट कर दी है। तो अपनी एक जगह ढूंढो, और वो भी अच्छा किला है मास सेल्विन। 2 बार नॉक हो गया मेरे से, अच्छी टीपी भी ली इसने। पर मैं भाई बहुत पहले से यहाँ पर टीपी लेता रहा हूँ, मुझे पता है। तो इसको नॉक करके मैं ऊपर चला गया, मेरी AKM रिलोड में आ गई हूँ। मैं नहीं चाहता था कि वो मुझे मारे, तो मैं यहाँ पर ग्रेनेड फेंकता हूँ। आप भी ये कर सकते हैं, ग्रेनेड फेंक सकते हैं यहाँ पर। एक्चुअली अभी मैंने फेंका नहीं, सॉरी। तो मैं यहाँ पर, मुझे पता है कि यहाँ पर कोई ना कोई उसे कवर देगा, तो टीपी भी लेगा। और ये लेफ्ट हैंड से टीपी भी ले रहा, पर इसने गन चेंज करने में इतना मशहूर हो गया कि इसको पता ही नहीं चला कि मैं आ चुका हूँ। मैंने इसको पूरा किल किया और ऊपर चला गया। और वो मास सेल्विन अच्छा खेल रहा था काफ़ी, और मैंने जिसको यहाँ पे नॉक किया था, जहाँ पे मैं टीपी भी ले रहा था, मैं वहीं से, वो वहीं पे टीपी भी लेता है जब मैं नीचे आता हूँ। और यहाँ पर मैं ग्रेनेड फेंकता हूँ, और मुझे पीछे से पड़ जाती है, तो मैं नीचे कूद जाता हूँ। मुझे पता है कि अब यहाँ पर भी टीपी भी लेंगे। जिसने साउंड सुन लिया होगा मेरे कूदने का, वो तो उसको पता होगा, पर ये सोचता कि मैं ऊपर ही हूँ। मैं उसको मारता हूँ, तो मेरा थोड़ा सा यहाँ फ्रेम ड्रॉप हो जाते हैं, पता नहीं क्यों। और तो मैं इसको UMP से मार देता हूँ, तो 2 नॉक हो जाते हैं। मैं इसको पूरा किल कर देता हूँ, फिर मैं नहीं चाहता कि बार बार रिवाइव हो। तो मास सेवन देखना, जहाँ से मैं टीपी भी ले रहा हूँ, वहीं पर ही टीपी भी लेता है। तो टीपी भी अच्छी नहीं, अच्छी ली इसने मास सेवन ने, मेरे 2-3 बंदे मार दिया। तो मैंने इसको ऊपर पहुँचा दिया, और यहाँ पर 4था बंदा इनका आता है, और वो भी मर जाता है। तो यहाँ पर काफ़ी अच्छे खेले, तो मैं डांस करने लगता हूँ। यहाँ पे डांस करता हूँ मैं, इनको दिखाता हूँ कि भाई गलत पंगा, तुमने मेरी टीम से मार के ले लिया। मुझे पता चलता है यहाँ पर 2 बंदे और भी हैं। तो मैं जैसे डांस करता हूँ, तो मुझ में पड़ने लग जाती है दूर से, तो मैं लेट जाता हूँ, प्रोन हो जाता हूँ। तो यहाँ पर मेरी रिकॉर्डिंग रुक जाती है, 2 बंदे होते हैं, मैंने इनके 2नों बंदे मार देता हूँ, रिकॉर्डिंग रुक जाती है। आप देख सकते हैं कि मैंने 5 किल हो गए हैं, और बंदे को मार दिया, और जो इनका ये डुगो का लास्ट बंदा था, उसको मैं टीपी भी लेके मार देता हूँ। ये टीपी भी लेके मैंने इसको भी मार दिया। तो यहाँ पे मैं, ये वीडियो ख़त्म हो जाती है, तो मैं आपको एक टिप और देता हूँ कि ब्रिज कैंपिंग की टिप देता हूँ, कि मतलब ब्रिज कैंपिंग अगर सामने हो और पीछे से फंस जाते हैं, तो आप क्या कर सकते हैं। मतलब सामने जहाँ पर ब्रिज कैंपिंग हो रही होती है, हम जा रहे होते हैं ब्रिज से, सेकंड गेम प्ले है, मतलब वो उसी गेम प्ले का ऐसा नहीं है। तो यहाँ पर हम ब्रिज कैंप पर से मतलब भिड़ जाते हैं, तो मैं हम देखते हैं कि सामने ब्रिज कैंपिंग हो रही है। सामने जो ब्रिज कैंपिंग हो रही है, तो और हम सामने वाले से निपट ही रहे होते हैं, मतलब पीछे से भी दूसरी स्क्वाड आती है, और गलत ही सीन हो जाता है। फिर होता क्या है कि मतलब आप ऐसे में क्या कर सकते हैं, तो मैं आपको बताऊंगा। ये हमारे 2 बंदे नॉक हो गए, तो वो पुश कर देते हैं। एक्चुअली स्मोक होते नहीं है मेरे पास, तो मैं स्मोक करूँ उनको बचाने के लिए। मैं ऐसे ही रिवाइव देता हूँ, आगे पीछे दोनों जगह से पटरी होती है, तो मैं उनको रिवाइव देने के लिए जाता हूँ। और वो पुश तो जरूर करेंगे पीछे वाले, 2 बंदे उनके पुश करते हैं कार लेके। मैं उसको रिवाइव देता हूँ, तो मैं देख लेता हूँ कि वो मतलब कार से आ रहे हैं। तो जैसे ही मैं इनको रिवाइव देता हूँ, मुझे साउंड आ जाती है, और वो कार भी दिख जाती है आते हुए। जैसे ही रिवाइव देता हूँ, तो और इसको मारता हूँ मैं उतरते ही। तो मैं नहीं चाहता कि मतलब पीछे वाले हैं जो किल ले लें, काफ़ी पीछे से आ रहे हैं आगे से, मतलब आगे पीछे दोनों जगह से पट गए, तो मैं इनकी किल ले लेता हूँ, क्योंकि वो हमारे किल ना ले लें। जैसे मैं जाता हूँ नॉक हो जाता हूँ। तो क्या कर सकते हैं आप, पीछे जा सकते हैं, कूद के पीछे जा सकते हैं, और उन पर हमला कर सकते हैं। तो मैं, हम पीछे वाले को पहले संभालते हैं। देखिए, 1 नंबर पीछे गया नीचे से,
और उसके सपोर्ट करने के लिए और भी लोग जाते हैं, तो पीछे वाले को फिनिश कर देते हैं, फिर आगे वाले बचते हैं। तो मैं इनका ध्यान बटाता हूँ, उनको पता नहीं लगने देता हूँ कि हमारे 3 बंदे नीचे से एक्चुअली जा रहे हैं और उन पर रश करेंगे, तो मैं कार फोड़ देता हूँ और बहुत मार खाता हूँ एक्चुअली इनसे, पर नॉक नहीं होता हूँ और गुलियाँ चलाता रहता हूँ क्योंकि उनको ये ना लगे। तब तक पीछे से वो मेरे बंदे कर देते हैं, तो मैं आगे जाके यहाँ पर देखता रहता हूँ स्कोपिंग करके कोई मुझे पहले ना दे, नॉक ना कर दे, क्योंकि वो पूरा फिनिश ही करेगा। और मैं उनको सपोर्ट करने के लिए आगे जाता हूँ, तो एक तो मार देते हैं इनकी गेमिंग को, और काफ़ी अच्छा मेरे बंदों का डिसीजन था कि मतलब आगे से जाकर उन पर नीचे से जाकर आगे से हमला करके, और पीछे से तो था ही मैं, तो मैं बार बार स्कोपिंग करके इसलिए देख रहा हूँ कि वो मतलब मार ना दें निको, और अगर वो पीछे थोड़ा बैक स्टेप ले तो मैं उनको मार दूँ। तो ब्रिज कैंपिंग में आप ये कर सकते हैं, दोनों जगह से अपने एक साइड को पहले क्ले करके नीचे से जाकर कर सकते हैं आप, या फिर नीचे अपनी गाड़ी छोड़ दें ब्रिज कैंपिंग करते हुए समय, ताकि आप निकलने की ज़रूरत हो तो मतलब जल्दी से निकल देते। तो मैंने इसको नॉक किया और ग्रेनेड फेंक के इसको मार देता हूँ। तो आपको अगर ऐसे हालात से गुजरे तो आप कर सकते हैं, और ये देखिए ब्रिज कैंपस में। तो आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको कौन सी अगली वीडियो चाहिए, या फिर आपको वीडियो कैसी लगी। प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू। तो कैसे